ऐसा शॉट मारा, फिल्टर शॉट हो गए मेरे यार, मैं चलेगा नीचे चुपचाप। अगर क्विट करने का दिमाग में आए ना तो एक बार सोचना कि भाई स्टार्ट क्यों करा। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ ना ऐसे नीचे करके तो भी बोलेंगे भाई नहीं, गर्दन अच्छे से नीचे नहीं हुई। पता नहीं कैसा साउंड कर रहा हूँ मैं इस टाइम। तो भाई मैं इस टाइम अभी उस पॉइंट पे हूँ लाइफ के, अगर प्रॉब्लम तुम्हारी है तो जवाब भी तुम्हारे अंदर ही है, बस ढूंढने वाली बात है। भगवान का शुक्रिया अदा जितना भी दिया बहुत है, और दिल से की हुई बात। अगर सो हे गाइज, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और मस्त होगे। तो ऐसे ही मस्त रहो और मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय करते रहो। एज सच आज कुछ है नहीं, काम है फिलहाल ये रेडी उतारने का। सॉरी इधर कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, काम है फिलहाल ये लड़ी उतारने का। ये लड़ी उतारने के लिए मेरे को भेज दिया गया है छत पर घर वालों ने, ये सारी उतारनी है। तो अभी नीचे से भी उतार के आ ही रहा हूँ फिलहाल मैं, 5-6 नीचे उतार के आए ऑलरेडी और 5-6 भी और उतारनी है। पहले मैं सोचा धूप ज़्यादा हो जाएगी तो एक बार इनको उतार लेते हैं पहले, उसके बाद नीचे की उतारेंगे। तो करते हैं कार्रवाई चालू, ये पन्नी लेकर आए उसमें डाल लूँगा और इन्हें उतारते हैं। नहीं निकाल लेते हैं, कहाँ है इसका वो, ये रहा। एक मिनट पहले मेन स्विच हटा लेते हैं क्योंकि एक बार मेरे साथ पंगा हो चुका है पहले। एक बार मेन वायर हटा लेते हैं। अरे एक तो भाई ये देखो, ये मक्खी उड़ रही है, मेरे को डर लग रहा है ये कभी काट ना ले। ये हटा दिया, ये देखो ये उड़ रही है। और भाई ये वाली लाइट ये भी ख़राब हो चुकी है, कम से कम भी ना तो 5 साल तो चली गई। 5 साल पहले लाया था मैं इसे 150 रुपये की, तो 150 रुपये का कोटा वसूल हो चुका है। चाइना माल चलता नहीं है पर चल गया, वही वाली बात है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो बस चल गया, तो एक बार चली थी इस वाली दिवाली में भी, बस एक राउंड घूमा था, उसके बाद फूक गया। फिर मैंने ये हटाई नहीं, फिर मैंने की चल लगी रहने दे, जब सारी लड़ी हटाएंगे जब भी हटा लेंगे इसको। तो मैंने मेन वायर भी हटा ली है, और मेन वायर हटाने का मेन रीज़न है भाई, एक नहीं सॉरी 2 बार लग चुका है करंट बढ़िया वाला। तो उस वजह से मैं पहले ही प्रिकॉशन ले कर चलता हूँ कि करंट ना लगे। अब हटाएंगे इसे धीरे धीरे एक एक करके। लग रही तार पीछे तक, पहले ये तार हटाइए क्योंकि एक दो बार मेरे को झटका लग चुका है। एक बार झटका लगा था, ये वाली तार कट रही थी, ये वाली तार कटी हुई थी और ये इस पर बिटी हुई थी। तो भाई ऐसा शॉट मारा मेरा, तो भाई ये तार है ना उसमें बिटी हुई थी ग्रिल में, और ये लोहा है तो तुम्हें पता है करंट कितना बढ़िया आता है। इसे छुआ मैंने और लड़ी लगानी भूल गया मैं। मैंने लड़ी लगाई नहीं फिर उस साल, तो मैंने लड़ी लगाई नहीं, फिर पापा ने लगाई थी लड़ी। माँ आया था चेक करने, पापा कह रहे चेक करके आए एक बार, और ये लड़ी एक जल नहीं रही उसे जला कर। तो मैंने भाई ऐसे इस पर हाथ रखा, और ये लगा रहा था। इतना मैं तो जैसे मैंने हाथ लगाया इतना मैं तो भाई ऐसा शॉट मारा, फिल्टर शॉट हो गए मेरे यार, मैं चलेगा नीचे चुपचाप। भाई एक दिन की चमक थी, एक दिन की रौनक थी, अब फिर से वही जग सोना सोना लागे रे। एक बार ये हटा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं तुमसे। अ डे इन अ लाइफ ऑफ मिडिल क्लास बॉय, तो ये है वो। और बाकी शाम को जो भी जैसे रहेगा तो मैं दिखाएंगे, तो बने रहना ब्लॉग में, और ऐसे ही मस्त रहो, मजे लो जिंदगी के, और इन्जॉय करते रहो ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब भी कर दे करो। जाओ तो एक तो हो चुकी है, बाकी ये सारी निकाल के मिलता हूँ तुमसे। तो टाइम लैप्स इन्जॉय करो एकदम तुम। सो भाई फाइनली सो अब जाके काम ख़त्म हुआ है, 2 बजे 2 बज गया, अब जाके उतरी है सारी लड़ी। तो अब जाते हैं नहाते हैं और मिलते हैं आपसे, बाकी जो भी जैसे भी रहेगा आज का दिखाएंगे। तो बने रहो ब्लॉग पे भाई, एक नंबर आ रहा है देखो आराम से ध्यान से। ये मैंने ब्राइटनेस लो कर रखी है, अब क्लिक करूँगा ना देखना कितनी रोशनी है, देखो क्या। वैसे ही मैं काफ़ी बार जब थोड़ा मतलब चाहिए होता है ना पर्सनल स्पेस या कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लो तुम,
अकेले टाइम स्पेंड करने वाला हिसाब किताब, तो फिर मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ। यहाँ इन द सेंस कि मतलब कहीं भी अकेले जहाँ पे कोई हो ना, बस मैं और मेरी बातें, खुद से ही सवाल जवाब करता रहता हूँ मैं। अब तुम इसे कुछ भी समझ लो कि पागल है क्या है, तुम भी करते होगे शायद, पता नहीं मुझे, पर करते तो होगे। जो जो करते भाई अच्छी बात करनी चाहिए, और जो नहीं करते भाई वो करके देखो, अच्छा लगता है। तो क्यों आया था, क्योंकि भाई कभी कभी मन नहीं करता कुछ भी करने का, बस यूं मन करता बस अकेले बैठे रहो और चिल करते रहो। कभी कभी बैठना चाहिए अकेले भी, पता नहीं क्यों बट बैठना चाहिए। पता नहीं कैसा साउंड कर रहा हूँ मैं इस टाइम, काफ़ी चीज़ें खुद से खुद के बारे में जानने को मिलती है और अच्छी चीज़ है ये। कभी कभी लगता है ना कि भाई होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भाई होता है कभी कभी, डाउन पे जाता है, लगता है कि हाँ भाई छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ। अगर क्विट करने का दिमाग में आए ना, तो एक बार सोचना कि भाई स्टार्ट क्यों करा था, है सोचने वाली बात कि हाँ भाई स्टार्ट क्यों करा था, किसी वजह से, किसी रीजन से स्टार्ट करा होगा ना, कुछ सोच के स्टार्ट करा होगा ना, कोई माइंडसेट होगा तुम्हारा उस चीज़ के पीछे। वही हमेशा अपने दिमाग में रखो और करते रहो कार्रवाई आगे। दूसरों के मत सुनो, सबसे मेन बात, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि दूसरों के चक्कर में रहोगे तो भाई हो जाएगा काम तमाम। तो भाई दूसरों के चक्कर मत रहो, तुम अपना देखो, काम पे लगे रहो, खींच के जो कर रहे हो करते रहो, बढ़िया करोगे, एक दिन कुछ ना कुछ तो होएगा ही अच्छा, कुछ नहीं भी होगा तो लाइफ के एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, कुछ नहीं भी बना तो तुम्हें भाई एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, और मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने ट्राई करा था, एक बार मैंने ट्राई करा था, अपना बेस्ट दिया था, नहीं हुआ वो अलग बात है, क्योंकि भाई लोगों की नज़र में तो तुम कभी भाई ठीक रहोगे नहीं। अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ ना ऐसे नीचे करके, तो भी बोलेंगे भाई नहीं, गर्दन अच्छे से नीचे नहीं हुई। तो वही वाली बात है कि भाई कुछ भी कर लो वो नहीं होंगे तुमसे खुश कभी भी, मतलब खुद खुश रहोगे ना तुम, हैप्पी पर्सन, तो तुम्हारे आसपास का सर्कल, तुम्हारा आसपास का इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा। तो ये बात ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, अपने हिसाब से जो तुम्हारा मन करे ना वो करे करो, क्योंकि भाई तुम कुछ भी करोगे तो भाई खुश तो होगी नहीं, ये बात तो भाई लिखवा के ले लो तुम मेरे से कागज पे, 100% ही फैक्ट है भाई। बड़े बूढ़े कुछ कह के गए हैं तो कुछ सोच समझ के कह के गए हैं ना बड़े बुजुर्ग, पैसे कम खर्च करोगे तो बोलेंगे कंजूस है, पैसे ज़्यादा उड़ाओगे तो बोलेंगे अय्याश है, ठीक है। सबका अपना अपना जजमेंट है भाई, तो इसलिए दुनिया के जजमेंट मत चलो, अपना काम से काम रखो, अपना बढ़िया करो, बस करते रहो। तो भाई मैं इस टाइम अभी उस पॉइंट पे कि हूँ लाइफ के, मतलब खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि भाई सही चल रहा है, क्या होगा आगे लाइफ में, क्या नहीं होगा, हो भी पाएगा नहीं भी होगा, उस वाले फेज में हूँ कि मतलब क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ जाओ बस तुम, उस वाले स्टेज पे हूँ, सब कैसा होगा, हो भी पाएगा या नहीं होगा, उस काबिल बन पाऊँगा मैं या नहीं बन पाऊँगा, कि भाई सब चीज़ मैनेज कर सकूँ, सब चीज़ अच्छे से हैंडल कर सकूँ, अपने आसपास के बंदों को खुश रखूँ, काफ़ी चीज़। बाकी अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में भोले बाबा बैठे हैं, महादेव जी बैठे हैं ऊपर, उनने भी कुछ सोचा ही होगा, ज़िंदगी दी है तो उनने भी कुछ सोचा ही होगा, पर यह है कि अपनी तरफ से अपना काम करते रहो, बढ़िया लगे रहो, अपना बेस्ट देते रहो। सो आई गेस आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया है, और काफ़ी सीरियस चीज़ों पे बात कर ली है मैंने, काफ़ी सीरियस बात हो चुकी है इस व्लॉग में, और बहुत है, और बाकी कई सारी बात हैं वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिस्टम। समझ रहे हो ना तुम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, किस वे में बात कर रहा हूँ, किस इंटेंशन से बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ है। बाकी ऐसी कोई डीमोटिवेशन वाली चीज़ नहीं है कि हाँ भाई जो मैं लो फील कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, बट ये है कि बस कभी कभी है ना अकेला आके बैठ जाता हूँ मैं खाली जगह पे, जैसे अपने वो पहाड़ी वाली जगह होगी जहाँ पे मैं अज्जू बिल्ली के साथ गया था, वो वाली जगह, और काफ़ी दो तीन जगह, या फिर जहाँ भी ऐसी जगह मिल जाती है ना जहाँ पे अकेला बैठ के खुद से बात कर सकूँ, जहाँ पे मतलब सवाल भी खुद से कर रहा हूँ और जवाब भी खुद ही दे रहा हूँ अपने आप को। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका जवाब तुम्हारे पास ना हो,
अगर प्रॉब्लम तुम्हारी है तो जवाब भी तुम्हारे अंदर ही है, बस ढूंढने वाली बात है। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, ये तो फिर भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जवाब भी तुम्हारे अंदर ही है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स करो और लाइफ को सॉर्टेड बना के रखो, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस हाँ, कभी कभी रहता है कि हाँ भाई दुखी हो जाता है मन, क्योंकि वही वाली बात है ना, भरोसा एक बंदा तोड़ता है पर नफरत सबसे हो जाती है। तो क्या बात है, तुम्हारा भाई अचानक से दिमाग में बात टकरा रही है, ये होता है भाई अकेले बैठने का परिणाम। बाकी जितना हो सके भाई चीज़ों को लाइट रखा करो, छोटी रखा करो। टेंशन लेने से चीज़ें कम होने लगती, तो भाई सभी टेंशन लेते, बहुत बहुत टेंशन लेते और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती या कम हो जाती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टेंशन होती है, सबको होती है, बट इतना मत लो कि भाई तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाए। वो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस, वही वाली बात है। वो भगवान का शुक्रिया अदा, जितना भी दिया बहुत है, और जो आगे देगा नहीं देगा वो भी उनकी ही माया है। तो जितना मिला है उतने में खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोशिश ये रहेगी कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करें और एक अच्छे पीक पे जाएं। तो बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो। बाकी एक चीज़ और कि भाई अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देख के जिया करो, क्योंकि अपने से ऊपर वालों को देख के जियोगे तो भाई हमेशा दुखी रहोगे। काफ़ी डीप बातचीत हो चुकी है इस व्लॉग में, और ये व्लॉग ऐसा ही था जैसे नॉर्मल बंदों की लाइफ में रहता है जो इस चीज़ में हैं, वो समझ सकते हैं। और दिल से की हुई बात, अगर जिसको मेरी ये डीप बातें, गहरी बातचीत थोड़ी सी पसंद आई हो या समझ गए हो, या मैं सोचना तुम्हारा भाई डिमोटिवेट है या लो है, एक नंबर मामला चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, और जो नहीं होगा वो भगवान की मंजूरी समझ के रख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय करते रहो। मिलती है तुमसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।